नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। यूपी जनपद के बलिया रोड तहसील क्षेत्र के भारत पेट्रोल पंप के सामने लोकसभा चुनाव कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा सलेमपुर के बसपा प्रभारी पूर्व विधायक आरएस कुशवाहा ने सपा बसपा गठबंधन को लेकर सपा बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और सपा बसपा दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं से एवं नेताओं से मुलाकात कर पर्चे प्राप्त किया। आपको बता दें कि आरएस कुशवाहा लखीमपुर खीरी से एक बार विधायक, एक बार एमएलसी व उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। सपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मतलूब अख्तर, समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद यादव, बसपा नेता रामविलास प्रसाद कुशवाहा, संजीव कुमार वर्मा, बसपा युवा नेता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर, ये आज जो बसपा और सपा दोनों पार्टियों का ये कार्यालय पे, आपके कार्यालय पे जो कार्यक्रम चला, इसके बारे में जानकारी दें। सपा बसपा के जिम्मेदार बूथों पे कैसे कैसे किसको लगाया जाए, बूथों पर तैयारी के लिए बनाया गया था, आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए और हर हालत में गठबंधन को जिताना है और दिल्ली में गठबंधन सरकार बना है। आईबी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आईबी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज।